हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, है ना। चलिए तो आज सेशन की शुरुआत करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए आज की क्लास में एकदम जबरदस्त तरीके से। और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, है ना। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि इस क्लास का टाइम अब थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो बच्चों को अभी पता नहीं है। तो प्लीज आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार अपने सभी दोस्तों में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब से जो आपकी रीजनिंग की क्लास है वो डेली शाम को 6 बजे हुआ करेगी। कितने बजे? वो डेली आपसे हुआ करेगी शाम को 6 बजे। तो अर्थात शाम 6 बजे हमें ये क्लास जो है वो डेली करनी है, हर दिन, नित्यदिन, प्रतिदिन और मस्त करके, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या रण का आगाज करते हैं। 6 बजे अब रीजनिंग रेडी हुआ करेगी, 7 बजे हिंदी, 8 बजे जीके जीएस और 9 बजे मैथ्स, ठीक है। तो जीएस और हिंदी का जो आपका वो के जीएस और रीजनिंग का आपका टाइम बदल गया है, मैथ्स का थोड़ा सा टाइम बदल गया है ना। अब एक चीज और अच्छी है, जिसको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा तो मैं सीएचएसएल में टॉपिक वाइज चीजें शुरू कर रहा हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सा उसका अलग है। तो अगर आप मेरे से टॉपिक वाइज देखेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लासेस, सीएचएसएल की शुरू कर रहा हूँ। कल रीजनिंग की क्लास हुई थी, शाम को 6 बजे हुई थी। विपुल सर की क्लास, बेटा अभी विपुल सर शादी में गए हुए हैं, है ना। वो क्लास ना सुबह 9 बजे हुआ करेगी, जैसे विपुल सर वापस आ जाएंगे उसके बाद, ठीक है। विपुल सर अभी अपने भाई की शादी में गए, कहते ना मेरे ब्रदर की दुल्हन, तो भैया की दुल्हन ढूंढने गए हुए हैं, शादी करवाने गए भाई के। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले आने वाले अक्षर को ज्ञात कीजिए, समूह का चयन कीजिए कि अगला अक्षर जो है वो इस समूह में कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर देखेंगे, जी से आई गया अर्थात प्लस टू गया, आई से के गया अर्थात प्लस टू, और के से एम गया अर्थात प्लस टू, के एम में प्लस टू करिएगा, 13 और 2 15 पर बनेगा ओ, और एक ही ऑप्शन दिया गया है ओ के साथ, तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, ओ के साथ तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, और हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है इसको टिक करने के सिवा, तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करेंगे। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्लास रीजनिंग की जो हुआ करेगी अब शाम को 6 बजे, अब रोज शाम 6 बजे हमारी क्लास जो है ये हुआ करेगी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है जिस प्रकार उल्लू का संबंध हूटिंग से है उसी प्रकार मेंढक का, तो हूट कैसी आवाज है, उल्लू की आवाज कैसे निकलता है, हूट की तरह। हूट जो आवाज होती है उल्लू की आवाज होती है, जो मेंढक की आवाज होती है वो क्रॉक क्रॉक क्या होती है, क्रॉक। तो मेंढक की आवाज जो होती है वो क्रॉक होती है ना, मेंढक की आवाज जो है क्रॉक होती है। क्वैक जो है वो बत्तख की होती है, किसकी होती है, बत्तख की। तो बत्तख की आवाज होती है क्वैक, ना कि उसकी, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, क्रॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर बनेगा। सभी का आ गया, वाह मेरे चीतो, गजब एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। कह रहा है कि मिरर आपको दिया गया है, इस मिरर के आधार पर आपको बताना है इसमें कौन जो है इसका डिफरेंट होगा, आपको बताना है इसमें, मिरर आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन जो है इसका बनेगा। अब देखिए यहां पर अगर 2 दिया है तो अर्थात 2 आएगा। अब ये पी तो देखो नहीं आ सकता दोनों जगह पर, अब ये पी तो देखो दोनों जगह पर नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो पी के बाद 4 बिल्कुल सही है, बी। अब बी देखो बी की तरह तो नहीं रहेगा, मिरर इमेज है तो बी की भी मिरर बनेगी, और जब बी की मिरर बनेगी यानी कि ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, एकदम उम्दा क्वेश्चन बनाओ, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए अभी क्या पढ़ा रहे हैं सर रोशन वर्मा जी? अभी मैं जो है वो स्पैनिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, स्पैनिश भाषा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये पढ़ जो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए गए हैं रीजनिंग के। चलिए बताइए क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऋतिक, शिवम, सिप्पी, प्रियंका, मुन्ना, अनुज, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आंसर पूछा गया है आपसे, क्या आएगा,
इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से फटाफट से और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे चीतो, जिसने भी क्लास शेयर नहीं करी एक बार जल्दी से शेयर करके आइए। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा भाई। देखो 72 की अगर मैं बात करूं, इसको मैं 7 - 2 लिख दूं अर्थात 5 लिख दूं, 5 का वर्ग कितना होगा 25 होगा। 82 की मैं बात करूं तो 82 को 8 - 2 लिख दूं अर्थात 6 लिख दूं, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। ऐसे ही 92 की मैं बात करूं तो 9 - 2 लिख दूं अर्थात 7 लिख दूं, इसका वर्ग कितना होगा 49 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। एकदम कहर ढाते हुए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से है ना एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। आपको चयन करना है इस भिन्न शब्द का कि ये भिन्न शब्द जो है आपका ये कौन सा है, ये भिन्न शब्द जो है आपका ये कौन सा है, ये आपको बताना है। करिए इसका आंसर जल्दी से फटाफट से, करिए इसका आंसर जल्दी से, भिन्न शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर कह रहा है अवशेषण करने योग्य अन्वेषण, अवशेषण नहीं अन्वेषण। अन्वेषण मतलब कि जो चीज देखने लायक हो पढ़ने लायक हो सुबोध और साफ पढ़ने योग्य। तो यहाँ पर गुप्त जो है अलग है, सीक्रेट जो अलग है, बाकी तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, है ना, जो मतलब पढ़ने योग्य हो, जो साफ दिख रहा है, सुबोध जो कि क्लियरिटी हो, सुबोध का अर्थ भी क्या होता है क्लियरिटी होता है ना। अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन यानी कि वो चीज जो हम देख सकते हो, यानी कि इसे भी क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, और साफ पढ़ने योग्य यानी कि क्लियर रीडेबल तो ये तो है ही, सीक्रेट यानी कि छिपा हुआ जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो हमारी पहुंच से बाहर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। सो अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी को दिख रहा होगा मिशन वर्दी के बारे में। सो आप सभी जानते हैं कि मिशन वर्दी बैच आपका एग्जामपुर एप्लीकेशन पर लॉन्च किया गया है। इस बैच में आपकी डेली क्लासेस रहती है, इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डाउट सेशंस मिलते हैं, डीपीपी मिलती है ना, सुपर नोट्स मिलते हैं, बहुत कुछ, जिनका भी चैप्टर वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज मैथ्स, जिनका चैप्टर वाइज जीके जीएस कमजोर है, तो वो सभी मिशन वर्दी में तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करके अपने मतलब भविष्य को एक उज्जवल और सुनहरी राह दे सकते हैं। अगर आप जीडी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसकी फीस जो है वो मात्र 499 रुपीज है। और इस बैच की अगर मैं बात करूं तो इस बैच में आप कूपन कोड लगा सकते हैं GD499। इस बैच में आप कूपन कोड लगा सकते हैं GD499। और यदि आप नोट्स के साथ ये बैच लेना चाहते हैं, यदि आप नोट्स के साथ ये बैच लेना चाहते हैं तो नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग प्राइस है मात्र 999 रुपए। ये नोट्स आपके सभी सब्जेक्ट से संबंधित है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, सारे सब्जेक्ट के इसमें नोट्स हैं। तो आप सभी नोट्स के साथ इसको और बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन करना मिशन वर्दी बैच। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपको टॉपिक वाइज कमजोरी है किसी भी टॉपिक में तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी शेष समय है जिसमें आप तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बैच को परचेज करने के लिए आपको पेड कोर्स के सेक्शन में जाना होगा, देन बाय कोर्स पर क्लिक करना होगा, मिशन वर्दी के कूपन कोड लगाना होगा GD499, कूपन कोड लगाना होगा GD499, पेमेंट डन, सक्सेसफुल होते ही आप इस बैच में लिंक्ड हो गए, ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, यदि आपकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में अगर कमजोरी लगती है, अभी भी लगता है आपका कोई टॉपिक वीक है, तो मुझे नहीं लगता आपके भविष्य के लिए 499 रुपए आपके भविष्य से ज्यादा है। लेकिन वही है कि कुछ चीजें होती हैं जो कि वाइस वर्सा होती हैं, आप भी और हम भी इतना तो चीजों को समझते हैं कि हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं चलती है किसी ना किसी के सपोर्ट से। तो आपका सपोर्ट और हमारा सपोर्ट जब मिलता है तभी हम दोनों चल पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम जानते हैं कि एफ के अपोजिट बी होगा, ई के अपोजिट सी होगा और ए के अपोजिट डी होगा। पूछा किसका गया, विच विल बी द पेयर अपोजिट टू बी, है ना, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट पूछा गया है। तो बी के अपोजिट कौन बनेगा, बी के अपोजिट बनेगा एफ अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड, बी के अपोजिट बनेगा एफ अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक उच्च लेवल का क्वेश्चन है, जो इसका सही आंसर देगा वो एक चॉकलेट का हकदार होगा। चीज दी गई है, कह रहा है रिलेशन, बोला रिलेशन को लिखा जाए आई जेड ओ बी जी डी एल आई, फिर आपसे बोल रहे हैं क्लास सी एल ए डबल एस क्लास, इसको लिखा गया है एक्स जी जेड एन एच, और आपसे पूछा गया है फिर टैगलाइन का, टैगलाइन का आपसे पूछा गया है, टैगलाइन का आपसे पूछा गया है। अब आप देखिए इसमें, अगर आप देख पा रहे होंगे है ना, इसमें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि यार देखो आई के अपोजिट आर है, एल के अपोजिट ओ है, ये तो अपोजिट है, ये सभी क्या है अपोजिट है, तो एक छोड़कर एक तो अपोजिट है, तो यहां पर जी का हो जाएगा टी का जी, जी का हो जाएगा टी, आई का हो जाएगा आर और ई का हो जाएगा वी। अब देख लीजिए जी टी है ना, तो जी टी यहां पर आर होना चाहिए, आई की जगह तो नहीं है हटा दीजिए, जी टी आर होना चाहिए नहीं हटा दीजिए, जी टी आर और वी, जी टी नहीं है हटा दीजिए, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अब बात आती है कि सर बीच में हो क्या रहा था, तो इसको देखोगे माइनस फाइव, इसको देखोगे आपका माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव, ये भी माइनस फाइव, तो माइनस फाइव किया बी माइनस फाइव किया तो कितना हो गया आपका जी, माइनस फाइव किया तो कितना हो गया आपका आई, ठीक है, तो जी वी टी जी आर आई वी अर्थात ऑप्शन थर्ड। तुम्हें से 90% ऑफ यू आर गिविंग ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन आप आंसर दे रहे थे, 90% स्टूडेंट आंसर बी ऑप्शन दे रहे थे, जो कि निहायती तौर से गलत है, ठीक है, जो कि निहायती तौर से गलत है। सब तीन वाले आंसर किसके किसके सही है कल के बता दीजिए, लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए करिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से करिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, अगर आप गलती करेंगे तो ये आज तो आपको बड़ी अच्छी लग रही है गलती, लेकिन एग्जाम में बड़ी भारी पड़ी जाएगी ये। अब देखिए यहां पर कह रहा है जॉर्डन, कह रहा है जॉर्डन जे ओ आर जे ओ आर डी ए एन जॉर्डन, जॉर्डन को लिखा जाए एम एल यू जी एक्स क्यू, और आपसे पूछा गया है फ्रेगाइल का, आपसे पूछा गया है फ्रेगाइल का क्या होगा, आपसे पूछा गया है फ्रेगाइल का क्या होगा। देखिए तो जे से एम गए, तो जे से एम गए अर्थात प्लस थ्री, ओ से एल गए अर्थात माइनस थ्री, आर से यू गए अर्थात प्लस थ्री, डी से जी गए अर्थात प्लस थ्री, ए से एक्स गए अर्थात माइनस थ्री, और ये प्लस थ्री। तो देखो इसको देख करके समझ आया होगा, जहां पर ओ और ए लिखा है अर्थात जहां पर वोवल्स लिखे हैं, तो वोवल्स में तो माइनस थ्री हो रहा है, और बाकी जहां पर कॉन्सोनेंट लिखे हैं, जहां पर आपके व्यंजन लिखे हैं कॉन्सोनेंट लिखे हैं, वहां पर प्लस थ्री हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपको प्लस थ्री करना है अर्थात आई, यहां पर प्लस थ्री करना है अर्थात यू, माइनस थ्री करना है अर्थात एक्स, प्लस थ्री करना है अर्थात जे, माइनस थ्री करना है अर्थात एफ, प्लस थ्री करना है अर्थात ओ, माइनस थ्री करना है अर्थात बी, तो आपका आंसर क्या हो गया आई यू एक्स जे एफ ओ बी, आई यू एक्स जे एफ ओ बी अर्थात ऑप्शन नंबर टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू जो है इसका सही आंसर बनेगा, कितना बनेगा ऑप्शन नंबर टू जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। वाह मेरे चीते गजब एकदम लाजवाब। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर। कह रहा है दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, कह रहा विच टू साइंस शुड बी कन्वर्टेड टू करेक्ट द गिवन इक्वेशन, बदलिए किसको बदला जाना चाहिए, तो बताइए, चेक करिए आप जल्दी से, ये अब आपकी जिम्मेदारी है,
इतने ज्यादा कमेंट करोगे नहीं पता चल पाता है, क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट करा करो तब पता चलेगा तुम लिख क्या रहे हो। मैं सच में नहीं पढ़ पा रहा हूँ तुम लिख क्या रहे हो। ठीक है चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, और अब से रोज शाम 6 बजे, रीजनिंग का अर्थ हो गया रोज शाम 6 बजे आपको आना ही आना है। क्या कह रहे हो? बी ऑप्शन लगा दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई और माइनस को बदल दीजिए, माइनस माइनस अर्थात मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 43, और माइनस माइनस 18 तो माइनस 23, तो 43 माइनस 23 कितना हो गया, नहीं सॉरी 43 माइनस 5 कितना हो गया 38, माइनस 18 दूनी 36 प्लस 91 बटे में 7, तो सातिकम 7, 2 इधर गया 7 21 है ना, तो ये गया कितना 2 और प्लस 13 अर्थात 15, और यहाँ पर जो आ रहा है वो भी 15 आ रहा है, यहाँ पर जो आ रहा है वो भी 15 आ रहा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है विपुल सर? बेटा 5 तारीख से वापस आएंगे, विपुल सर जो है वो 5 तारीख से वापस आएंगे, अभी अपने भाई की शादी में गए हैं विपुल सर। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, अब आपसे क्या कह रहा है नंदिनी, नहीं पढ़ने में आ रहा इतना बड़ा कमेंट, सच में क्या लिख रही हो, ऑफलाइन कमेंट कर देना क्लास के बाद। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, वो आपसे क्या कह रहा है, यहां पर इसकी बारीकी को समझिए। कह रहा है कि इनमें से कौन सा अलग है, असंगत है, ऐसे में असंगत निकालने का तरीका होता है कि डी बी डब्ल्यू जी एस टी जे पी क्यू और एम एन के। ठीक है देखो डी से डब्ल्यू देखो अपोजिट है, ठीक है डी डब्ल्यू देखो अपोजिट है, जी टी देखो अपोजिट है, जे क्यू देखो अपोजिट है, एम के अपोजिट नहीं है, एम के अपोजिट नहीं है। फिर यहां देखो इसमें से क्या कर रहा है आपका माइनस वन, यहां पर भी माइनस वन, यहां भी माइनस वन, और यहां पर प्लस थ्री कर रहा है, तो ये बिल्कुल ही अलग है, इसकी कहानी जो है वो बिल्कुल अलग है, इसकी जो कहानी है एम एन के की तो ये वैसे ही अलग है, तो अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका परम सत्य आंसर बनेगा। कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका परम सत्य आंसर बनेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। हाँ एसएससी में तो मेरे मतलब बिल्कुल रिश्तेदार बैठे ना सारे के सारे, कि मैं बोलूं कि भैया डेट बढ़ाइए और उन्होंने मेरी बात सुन ली है ना, बिल्कुल मेरे रिश्तेदार बैठे हैं सारे के सारे, मैं कह रहा सर एसएससी से बोलिए ना डेट बढ़ाए, बाबा हो गया अब जो होना था, हम चिल्ला चिल्ला करके थक गए थे, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है बेटा प्रीति मैम भी शादी करने गई हुई है ना, तो वो शादी से जब वापस आएंगी उसके बाद ही क्लास लेंगी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता मैम किस तारीख में वापस आएंगी, तो मैं इसलिए बता नहीं पाऊंगा है ना। विपुल सर का मुझे पता है कि वो 5 तारीख में आएंगे, तो इसलिए मैंने विपुल सर का बता दिया कि विपुल सर 5 तारीख में आएंगे। मैम का मुझे सच में एग्जैक्ट नहीं पता वो किस तारीख में वापस आएंगी, तो मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि विपुल सर के भाई की शादी है, मैम की खुद की शादी है, तो दोनों में अंतर है ना। ठीक है कमेंट करके परेशान मत हो, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास ले सकते हो, नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो। अब यहां पर देखो ये कौन सी जगह छिपा हुआ है, तो यहां पर ये देखो कौन सी जगह छिपा हुआ है, क्या ये ऑप्शन वन में डायरेक्ट दिख रहा है, क्या ये ऑप्शन वन में डायरेक्ट दिख रहा है, देखो है ना ऑप्शन वन में ये डायरेक्ट दिख रहा है, देखो ऐसे करके ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इसका आंसर होगा, ऑप्शन वन में ये डायरेक्ट दिख रहा है छिपा हुआ, तो ऑप्शन वन ही इसका राइट आंसर होगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। हाँ जीडी का पेपर ऑनलाइन होगा बिल्कुल है ना, टोटल ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन नहीं होता है जीडी का पेपर, सही है, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट जो है वो आप ऑफलाइन देना, ऑनलाइन देना शुरू करो, मतलब कि साइबर कैफे वगैरह जाकर के आप दे दिया करो। ठीक है अब यहां पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24, 61, 122, 213 और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करो क्या, कि यार ये क्या हो रहा है भाई, 3 का क्यूब माइनस 3 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 4 का क्यूब माइनस 3 हो रहा है,
ये क्या हो रहा है, 5 का क्यूब -3 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, 6 का क्यूब -3 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -3, 7 का क्यूब अर्थात 343 -3 यानी कि 340। तो आपका जो आंसर बनेगा 340 बनेगा, आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 340, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। और मैं आपको बता दूं, आपको ये क्रम जो लगाना होता है वो ज्यादातर लगाना होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। किसके अनुसार लगाना है, पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है, तो जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा वो सबसे पहले, जिसकी जनसंख्या सबसे कम वो सबसे लास्ट में। ठीक है, चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, जिनकी जनसंख्या सबसे पहले, जिनकी जनसंख्या सबसे लास्ट में। ठीक है, तो यहां मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो अपने एशिया की है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो अपने एशिया की है, और सबसे कम जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो अपने एशिया की है, और सबसे कम जो जनसंख्या है वो अंटार्कटिका की है। तो मुझे बस ये दो पता होने चाहिए और इसके आधार पर मेरा आंसर निकल जाएगा। देखो क्योंकि ऑप्शन सारे अलग है, तो 3 से 4 है ना, 3 लास्ट, नॉर्थ अमेरिका नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतनी है जितने तुमने ग्रुप डी में फॉर्म भरे थे। ठीक है, कितने भरे थे फॉर्म ग्रुप डी में। ठीक है, एरिया का आधार नहीं बनाना है इसमें, इसमें हमेशा पॉपुलेशन को आधार रखिएगा। ठीक है, 99% ऑफ द क्वेश्चंस में यहाँ पर पॉपुलेशन को आधार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए बेटा, कोई अगर जैसे छुट्टी पे जाता है ना, वो मुझे बता के नहीं जाता, मैं सब टीचर्स के बारे में सच में कैसे बता दूं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है ना। अब जो जीडी की क्लास जैसे चल रही है, तो इनके बारे में मुझे पता है, मैंने बता दिया। अब मैं पता करूंगा, कल मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों नहीं आए क्लास लेने। ठीक है, चलिए, तो परेशान मत हुआ कीजिए यार। आप देखिए, कोई भी पर्टिकुलर सर है, मान लीजिए आज मैं क्लास नहीं ले पाया, लाइव नहीं ले पाया, मान लीजिए मेरी जगह कोई और क्लास ले रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ पा रहे हो, आप उनसे पढ़ लीजिए। यदि आपको लगता है नहीं सर, हमें इनसे नहीं पढ़ना, हमें तो उन्हीं से पढ़ना है, मतलब हमें पुलकित सर से पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, आज मत पढ़िए, आज पुलकित सर की पुरानी क्लास देख लीजिए। पुलकित सर ने इतनी क्लासेस दे रखी है, सेम चीज और टीचर्स के लिए भी है ना, तो ऐसा किया कीजिए ना, परेशान हो जाते हैं आप। अब यहां कह रहा है कि इसमें संबंध बताना है, पिता पुत्र और पुरुष। तो देखिए, जो पिता है और पुत्र है और पुरुष है, कह रहा है निरक्षर मतलब इलिटरेट इंजीनियर स्नातक, अब इंजीनियर इलिटरेट तो होगा नहीं, शिक्षित डॉक्टर और माता। ठीक है, देखिए जो भी डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर है वो शिक्षित जरूर होगा, जो भी डॉक्टर है वो एजुकेटेड जरूर होगा, बिना एजुकेटेड हुए डॉक्टर नहीं हो सकता, सही बात है। और मदर मतलब कि माँ, और मदर मतलब कि माँ, मदर अर्थात माँ, तो यहां पर ये बना इसका सही रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। जो इसका पहला ऑप्शन आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए, मतलब कुछ लोग जो पुत्र होंगे वो पुरुष नहीं होंगे, या जो पिता होंगे वो पुरुष नहीं होंगे, भाई यहाँ पर पुरुष की बात कर रहा है, तो ये दोनों ही पिता और पुत्र जो है पुरुष होंगे ना। अरे पुरुष तो ये दोनों होंगे, जो पुरुष है वो बड़ा हो गया, अब जो पिता है वो भी पुरुष होगा, अब जो पिता है वो किसी का तो पुत्र रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो टपक गए सीधे, तो किसी के तो पुत्र रहे होंगे ना। इलिटरेट का अर्थ होता है निरक्षर मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति, तो इंजीनियर अनपढ़ तो हो नहीं सकता, अगर इंजीनियर है तो वो पढ़ा लिखा है ना, और मदर मैन सन का कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर बनेगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन करिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, कोर्स की वैलिडिटी। बेटा कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी वैलिडिटी है, आप पढ़िए आराम से, ऐसा नहीं है कि आज खरीदेंगे और 3 दिन बाद बंद हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, मैंने बताया तो आकाश हो सकता है, आकाश बिल्कुल हो सकता है, यदि आप ये कहने को तैयार हो कि आकाश पुरुष नहीं है, कुछ आकाश पुरुष है कुछ आकाश पुरुष नहीं है, ऐसा कहने को तैयार नहीं हो ना, सभी पुरुष लड़के जितने हैं वो सभी पुरुष है, तो वो वहां पर नहीं बन रहा, इसलिए पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कमल और लक्ष्मण दो ब्रदर है, दो सगे भाई है,
तो कमल और लक्ष्मण जो है वो सगे भाई है। कह रहा है ओम एंड प्रेम आर मैरिड कपल, नंदिनी इज डॉटर ऑफ कमल। नंदिनी जो है वो डॉटर है किसकी, कमल की। नंदिनी जो है वो बेटी है कमल की। लक्ष्मण इज फादर ऑफ लव, लक्ष्मण लक्ष्मण प्रेम के पिता है। यहाँ पर देखिए ये वाली गलती है, असल में दोनों जगह प्रेम लिखा गया है, ओम तथा प्रेम है ना, एक विवाहित दंपत्ति है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है और यहाँ पर ना इसने लव कर दिया है। तो लक्ष्मण इज फादर ऑफ प्रेम, वो प्रेम को इंग्लिश में लव कह देते हैं ना, उसने लव कर दिया है तो इसको प्रेम कर लीजिएगा। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रेम के पिता है। ठीक है, तो प्रेम और ओम मैरिड कपल है, ये बोला गया था। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपत्ति है। आगे देखिए, लक्ष्मण की पत्नी चंचल, लक्ष्मण की पत्नी चंचल, लक्ष्मण की पत्नी चंचल और कमल की मां, लक्ष्मण की पत्नी चंचल और कमल की मां का नाम मधु है। कमल की जो मां है, कमल की जो मां है वो कौन है, मधु। तो जो कमल की मां है वो लक्ष्मण की भी मां हो गई है ना। फिर बोल रहा है ओम लक्ष्मण का दामाद है, ओम जो है वो लक्ष्मण का दामाद है, तो प्रेम उसकी बेटी हो गई, ओम जो है उसका दामाद हो गया। ठीक है, एवं दया ओम की पुत्री है, दया जो है वो कौन हो गई, इनकी पुत्री हो गई। सारे नाम देखो अटपटे से है। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है, प्रेम जो है नंदिनी की क्या लगी, कजन लगी। यार इतना मतलब इतना टफ क्वेश्चन बना करके और सिंपल से आंसर पर लाके छोड़ दिया चचेरी बहन, ऑप्शन नंबर वन। इतना घुमा फिरा करके एक सिंपल से आंसर पर लाकर छोड़ दिया। कोई रिलेशन पूछ रहे थे तो डिफिकल्ट पूछते, कुछ तो मजा आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। कह रहा है कि एक कागज को मोड़कर नीचे दिखाया गया है, सामने आने पर यह कैसे दिखाई देगा। अ पेपर इज शोन ब्लो बाय बीटिंग एंड हाउ विल इट अपीयर व्हेन इट कम्स आउट। अब देखिए जब इसको आप पलटेंगे, तब आप जब इसको पलटेंगे तो आप ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर जब आप इसे नीचे लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और जब आप इसे पलटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब आप देख लीजिए कहाँ इसका आंसर बन रहा है, तब आप देख लीजिए कहाँ इसका आंसर बन रहा है। ऑप्शन नंबर चार जो है इसका राइट आंसर होगा, इसका जो परम सत्य आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर चार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन कीजिए, सेलेक्ट द नेक्स्ट अपकमिंग फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज। बताइए क्या होगा, करिए इसका आंसर। इसमें अगली श्रृंखला मतलब अगली सीरीज कौन सी आ सकती है, तो दिमाग लगा के करिएगा। देखिए ये यहां था, फिर ऊपर पहुंचा, इधर पहुंचा, अब की से ये नीचे की तरफ होगा, अर्थात ये तो आंसर से बाहर हो गया। फिर इस पे आइए, ये यहां था, यहां यहां, अब की से ये इस साइड पे आएगा, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया, अर्थात ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर आ गया। केवल दो आकृतियों का खेल है, केवल दो आकृतियों का संबंध बना करके ऑप्शन नंबर थर्ड पर पहुंचा जा सकता है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड पर पहुंचा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न देखिए। कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, को सभी फोन कंप्यूटर है, सभी फोन जो है वो कंप्यूटर है, करिए इसको। देखिए कह रहा है सम मोबाइल आर लैपटॉप, कुछ जो मोबाइल है वो लैपटॉप है। क्या कह रहा है कि कुछ मोबाइल जो है वो लैपटॉप है, सम मोबाइल आर लैपटॉप। कह रहा है नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, कोई लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप जो है वो कंप्यूटर नहीं है। ऑल फोन्स आर कंप्यूटर, सभी फोन जो है वो कंप्यूटर है। तो भाई फोन कंप्यूटर है, अर्थात कंप्यूटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, अर्थात कंप्यूटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और फोन को इसके अंदर लाना पड़ेगा, और फोन को इसके अंदर लाना पड़ेगा। अब निष्कर्ष देखिए, अब क्या देखिए, अब निष्कर्ष देखिए अर्थात कंक्लूजन देखिए।
कह रहा सब मोबाइल और कंप्यूटर, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, तो मोबाइल में और कंप्यूटर में कोई रिलेशन नहीं, अर्थात पहला गलत है। कह रहा सम फोन और लैपटॉप, तो फोन और लैपटॉप में भी कोई रिलेशन नहीं, अर्थात दूसरा भी गलत है। तो यहां पर होगा आंसर यदि ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो अनुसरण करते हैं, ना तो पहला अनुसरण करेगा और ना ही दूसरा अनुसरण करेगा, अर्थात दोनों गलत हो जाएंगे। आज मिशन वर्दी में यही पढ़ाया था, कौन कौन था क्लास में, एप्लीकेशन में कौन कौन था आज मिशन वर्दी वाली क्लास में, ऐसे ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आज मिशन वर्दी में इसी टॉपिक के तो पढ़ाए थे, है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक के साथ देना, जो इसका आंसर लॉजिक के साथ देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, सिलेक्शन के बाद मिलेंगी ये सारी चॉकलेट है। तुम लिखते रहो, हर वीडियो मेरे काट लिया करो, सर ने इस क्वेश्चन पे कहा था चॉकलेट मिलेगी, और देखो हम सिलेक्शन लेके आए हैं, सर चॉकलेट दो, डिब्बे दूंगा पूरे डिब्बे बने हुए चॉकलेट हो गए, टेंशन मत लो। सही है, बहुत बढ़िया, हम भी थे सर। मैं एक बात कहूंगा फिर तुम बुरा मान जाओगे, पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब यहां देखो क्या ना, 3250, अगर मैं इसको लिख दू 3+2 यानी कि 5 और 5+0 यानी कि 5, सही है। फिर ऐसे ही कह रहा 62-44, मैं इसको लिख दू 6+2=4+4 अर्थात 8=8, ठीक है। 46-28, मैं इसको लिख दू 4+6=2+8 अर्थात 10=10, तो ये भी सही है। फिर कह रहा 33-56, अब मैं इसको लिख दू कैसे 3+3=5+6, तो 3+3 अर्थात 6=11, तो 6=11 थोड़ी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। देखो तो मैं एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बिजनेस बता रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो, और आज के समय में बच्चों को उसकी नीड भी है, आप दूसरों की मदद भी कर पाओगे और आप कर भी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चा है जिसके मतलब गांव में है ना, कोई आप गांव में रहते हो है ना, और आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं 20-30 हजार रुपए, आप ना 10 हजार रुपए का एक कंप्यूटर खरीदो, 10-10 हजार रुपए के दो कंप्यूटर खरीदो, आपने क्या किया 20 हजार रुपए लगाए, या एक ही खरीद लो, मान लो आपने 10 हजार रुपए का एक कंप्यूटर खरीद, उसमें इंटरनेट लगवा दो, उसमें क्या लगवा दो इंटरनेट लगवा दो, उसमें क्या लगवा दो इंटरनेट लगवा दो, इससे आपकी कमाई भी शुरू होगी और आपको एक बिजनेस का आइडिया भी मिलेगा है ना, और जिनको मदद चाहिए उनको मदद भी मिलेगी। आपने 10 हजार रुपए का एक कंप्यूटर खरीद के उसपे इंटरनेट लगवा दिया, अब आप क्या करो, ऑनलाइन एग्जाम जैसे होता है टेस्ट सीरीज वाला है ना, एग्जाम्पल वाली टेस्ट सीरीज ले लेना, फ्री है बहुत सारी वेबसाइट पे फ्री है ना, एक बच्चे से 30-25 रुपए कुछ भी लो एक घंटे के, और उसे ना एक टेस्ट सीरीज करवा दो कि एक घंटे तू बैठ के टेस्ट सीरीज दे, दूसरे घंटे में दूसरा, तीसरे घंटे में तीसरा, आपके गांव में 7-8-10 बच्चों का काम भी हो जाएगा है ना, आपके पास थोड़ी सी अर्निंग भी होगी, और कोई ऐसा तो है नहीं कंप्यूटर खराब हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है, काम करना चाहो तो कर सकते हो इस पर। तो यहाँ पर -30 -15 देखो यहाँ पर भी हो रहा है, -30 यहाँ पर भी हो रहा है, -30 -15 यहाँ पर भी हो रहा है, -30 -15 ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर है। सारे के सारे पढ़े लिखे गवार हैं, सारे पढ़े लिखे गवार जितने हैं, जितने ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे गवार हैं, सभी पढ़े लिखे गवार, पता है क्यों, पढ़े लिखे तो तुम हो लेकिन गवार इसलिए कि तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और मैं हर बार कहता हूँ एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगा, नॉट फॉलो यानी कि अनुसरण नहीं करता है, नॉट फॉलो यानी कि अनुसरण नहीं करता है। कर दिया खिलवाड़ एग्जामिनर ने, अरे कौन कौन था जिसने गलत आंसर दिया, जिसके साथ खिलवाड़ हो गया, ठीक है, यही खिलवाड़ एग्जाम में भी होगा है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान से करो, रायता फैल जाएगा पेपर में, बता रहा हूं मैं। चलो अगला देखो, कह रहा हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, सो कह रहे हैं कितने त्रिकोण और कितने वर्ग है इस आकृति में,
कितने त्रिकोण और कितने वर्ग हैं इस आकृति में? चलिए, कितने वर्ग और कितने त्रिकोण है इस आकृति में? तो त्रिकोण निकाल लीजिए, वर्ग तो अपने आप आ ही जाएंगे क्योंकि त्रिकोण निकालने से प्रश्न हो जाएगा, फिर वर्ग देख लेंगे, है ना। तो त्रिकोण निकाल लेते हैं पहले। त्रिकोण निकाल लीजिए, कैसे होगा? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ दुनी सोलह, कितना हो गया? आठ दुनी सोलह हो गए, तो सोलह तो त्रिकोण ये हो गए। फिर उसके बाद देखो, तीन 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 तीन, तो कितने हो गए आपके भाई? सोलह तो ये हो गए, है ना। फिर देखो, तीन 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 ये हो गए, तो कितने हुए? तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, सोलह और बारह, ये कितना हो गया? अट्ठाईस हो गया। अट्ठाईस तो ये हो गया भाई। अभी और भी है त्रिकोण, देखो अभी ना छोटे वाले तो तुमने गिन दिए, अभी असल में ये बड़ा वाला जो था ना, एक शार्प किंग, ये जो है यो तुमने देखो ध्यान से नहीं गिना, ये जो है ये बड़ा वाला जो है ना, यो भी आपको गिनना पड़ेगा, ये भी क्या करना पड़ेगा आपको? गिनना पड़ेगा। तो इसको और गिनो, तो जब आपने इसको गिना तो इसमें भी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, है ना। तो इसमें भी कितने बने? आठ बने, अर्थात आठ दुनी सोलह, सोलह ये हो गए, तो अट्ठाईस और सोलह अर्थात चौवालीस, तो चौवालीस त्रिकोण हुए, चौवालीस अर्थात ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर हुआ, चौवालीस त्रिकोण हुए, चौवालीस अर्थात ऑप्शन नंबर वन आपका आंसर हो गया। कितने त्रिकोण हुए? चौवालीस त्रिकोण हो गए। कितने त्रिकोण हुए? चौवालीस त्रिकोण जो है आपके हो गए, ठीक है। सोनू कुमार क्लास में स्टार्टिंग से क्यों नहीं आता है? बुद्धि कम है, कैसी बातें कर रहा है? बहुत बढ़िया दीप, राजा बहुत अच्छे, कोमल, कमल, निशु, है ना, एकता, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सचिन, नितेश, बहुत अच्छे, प्रीति। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, अगले का आंसर बनाइए और बहुत ही ध्यान से करिएगा। एक और चॉकलेट वाला प्रश्न है, एक और चॉकलेट वाला प्रश्न है, इस प्रश्न में चॉकलेट मिलती है भाई, सच बता रहा हूं, ये भी चॉकलेट वाला प्रश्न है, करिए इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। कह रहा है सीजर, एस ई आई जेड यू आर ई, सीजर, सीजर को लिखा जाए कैसे? एट टू थ्री वन फाइव नाइन। फिर कह रहा है हारमोनी, फिर कह रहा है हारमोनी, मुझे लॉजिक भी बता देना क्या लिख रहे हो आप। नाइनटीन वन नाइन फोर्टीन फोर थर्टीन और टू, आपसे पूछा किसका गया है? देन हाउ विल प्रोड्यूस बी कोडेड? प्रोड्यूस का वॉवल्स के बारे में हम सभी जानते हैं, ए ई आई ओ यू, इसकी संख्या पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी होती है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी होती है, सही है। अब नहीं बढ़ेगी बेटा एसएससी जीडी की डेट, अगर बढ़नी होती तो वो पहले ही बढ़ जाती है। यहां पर देखिए, एस का अपोजिट एच होता है, जेड का अपोजिट ए होता है, आर का अपोजिट आई होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आर का अपोजिट आई होता है, एम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट एम होता है, वाई का अपोजिट डी होता है, और जितने वोवल्स हैं उनको उनके क्रम आधार पर लिखा गया है, और जितने वोवल्स हैं उनको उनके क्रम आधार पर लिखा गया है, क्रम आधार पर लिखा गया है, अर्थात ई को टू पर, आई को थर्ड पर, यू को आपके पांचवे पर और ई को टू पर, ए को वन पर और ओ को फोर पर। अब यहां देखिए, पी का अपोजिट के अर्थात ग्यारह, आर का अपोजिट आई अर्थात नौ, ओ की प्लेस वैल्यू चार, डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी कि तेईस, यू की प्लेस वैल्यू पांच, सी का अपोजिट एक्स यानी कि चौबीस, ई की प्लेस वैल्यू टू, वोवल्स की प्लेस वैल्यू, अर्थात ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर वन जो है इसका राइट आंसर बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए अगला क्वेश्चन देखिए और बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर इस प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा अल्फाबेट्स कैसे रिपीट होगा, चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, कौन सा अल्फाबेट किस तरह से रिपीट होगा, करिए इसका आंसर, करिए जल्दी से इसका आंसर। बाबू मैं
कई बार बता चुका हूँ, मैं थक गया हूँ बताते तुम सुनते हो नहीं। विपुल सर 5 तारीख से क्लास लेंगे, 5 दिसंबर से सुबह को 9 बजे। कब से लेंगे? 5 दिसंबर से। ठीक है, आप परेशान मत हो, पढ़ो। अब पढ़ो, कह रहा है टी क्यू स्पेस ए स्पेस टी स्पेस एन स्पेस ए। अब देखो मुझे क्या मिला, एन के बाद ए आ रहा है, तो मैंने एन के बाद ए लगा रहा है, तो एन यहां पर ले लिया। ठीक है, अब देखो टी के बाद क्यू आ रहा है, तो मैंने यहां पर क्यू ले लिया। क्यू के पहले टी आ रहा है, ठीक है। फिर आपका ए के बाद क्या आएगा, देखो यहां पर इतना हो गया। अब देखो क्यू के पहले कौन आएगा, टी आएगा। क्यू के पहले कौन आएगा, टी आएगा। एन के बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए के बाद कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। तो ए के बाद दोनों जगह क्या हो गया, एफ हो गया। तो अपना आंसर हो गया एन एफ। एन एफ केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन, अरे बी कैसे होगा, लव कुश क्या कर रहा है भाई, है क्या कर रहा है, ध्यान से नहीं पढ़ रहा बिल्कुल भी, दिमाग नहीं लगा रहे बिल्कुल भी। बी ऑप्शन दे रहे आंसर, कूट दूंगा रख करके 2-4 को बता रहा हूं मैं। दिल से और दिमाग से दोनों से पढ़ो, आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बताओ यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, आपसे क्या कह रहा है। चलिए करिए इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा फटाफट से बताइए। तो यहां पर कह रहा है 5, 81 और 4। भाई देखो देखते ही पता चल रहा है कि यार 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, और 5 और 4 9 ही बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो देखते ही हो गया, क्या हो गया, 5 प्लस 4 का अर्थ 9 होगा, और 9 का वर्ग जो है वो 81 होगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, 6 और 2 नहीं, 7 3 10 बन गया, 7 प्लस 3 अर्थात 10, और 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है आपका, 100। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100, है ना। 1 प्लस 6 कितना होता है, 7, और 7 का वर्ग कितना होता है, देखो 49। 2 प्लस 4 कितना होता है, देखो 6, और 6 का वर्ग 36। तो ये तीनों तो सेम है, ये तीनों क्या है, सिमिलर है, ये तीनों क्या है, सिमिलर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा 1 ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया है नॉट शेयर, यानी कि जो समान नहीं होगा, यानी कि जो समान नहीं होगा, तो जो समान नहीं होगा वो आपका आंसर होगा, जो समान नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 23वां जो प्रश्न है, उस प्रश्न का सीरीज का नाम होता है रिपीटेड सीरीज। तो जो भी स्टूडेंट रिपीटेड सीरीज पढ़ना चाहते हैं, वो रिपीटेड सीरीज डालिए, लिखिए रिपीटेड सीरीज बाय पुलकित सर, रिपीटेड सीरीज बाय पुलकित सर, ऐसा लिख लीजिए, आपको मिल जाएगी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, बनाइए इसका आंसर जल्दी से। कह रहा है 0, 2, 6, 12, 20 (42). अब यहां पर देखिए क्या हो गया, 0, 2, 6, 12, 20 (42). ठीक है, अब यहां पर दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का, यहां कितना है, 4 का, यहां कितना है, 6 का, यहां कितना है, 8 का, यहां कितना है, 10 का। 20 और 10 कितना हुआ, 30 हुआ। 20 और 10 कितना हुआ, 30 हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है इंसिन्यूएशन की दर्पण छवि बनेगी। देखिए तो यहां पर सबसे पहले जो है एन आएगा, आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ के बाद आई आएगा। देखिए एन ओ टी हो गया, तो ये तो नहीं बन सकता, हमें चाहिए ओ के बाद आई, ओ के बाद आई ए, ओ के बाद आई टी ए, आई टी ए यू, यू यू के बाद देखो क्या आएगा, एन आएगा। सो यू के बाद एन आएगा, आई नहीं आ सकता, यानी कि ये भी कट गया। ठीक है, यू के बाद एन आएगा, ए नहीं आ सकता, यानी कि ये भी कट गया, अर्थात ऑप्शन संख्या थर्ड, अर्थात ऑप्शन संख्या थर्ड जो इसका, नींद बींद में हो, यार इतने आसान क्वेश्चन गलत कर गए, तुक्के माजोगे कहां जाओगे,
कौन से भर्ती निकाल लोगे, ऐसे ऐसे निकाल लोगे पेपर? ये तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ना बच्चा, ये तो इजी था ना। इसे गलत करने का कोई अर्थ नहीं था, इसको गलत करने का कोई मतलब नहीं था। इसको गलत करने का अर्थ क्या होता है समझ ही नहीं आता यार हमको। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है। कह रहा है कि सर्जन के पास क्या होता है, स्कैल्पल होता है। स्कैल्पल क्या होता है, एक पेन की तरह ही होता है, बस आगे से नुकीला होता है ना, और वो चीरा काटा करने के काम आता है, तो वो सर्जन अपने पास रखते हैं। उसी प्रकार जो आपका ब्रिक लेयर हो गया, उसी प्रकार जो आपका ईंट बनाने वाला हो गया, उसी प्रकार जो आपका ईंट बनाने वाला हो गया, वो क्या करता है, वो करनी करनी से काम करता है। वो क्या करता है, करनी से काम लेता है। क्या करता है, करनी से काम लेता है। भाई एक अभी क्लास के बाद एक इवेंट है ना, क्लास के बाद जो है एक इवेंट है, आप लोगों को देखना है, ध्यान रखना है उसका, इवेंट का, कि क्लास के बाद एक इवेंट है, हम दिखा देते हैं आपको। तो उस इवेंट में जाने का हम तरीका आपको दिखा देते हैं। उस इवेंट में जाने का तरीका ये होगा कि जैसे आप क्लास में होगे ना, तो आप क्लास में जब आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे, जब आप क्लास के कमेंट सेक्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर ये कमेंट्स में आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करिएगा और इस इवेंट पर पहुंच जाइएगा क्लास के बाद। फिलहाल क्वेश्चंस करिए, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है ना। जो कर रहे थे फिलहाल वो क्वेश्चन करिए, वापस आइए चीजों पर। कह रहा है कि ईंट बनाने वाला जो होता है वो किसका इस्तेमाल करता है, वो कन्नी का इस्तेमाल करता है। ईंट बनाने वाला जो होता है वो किसका इस्तेमाल करता है, कन्नी का इस्तेमाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है ए डिवाइड बी इंटू सी प्लस डी माइनस ई में ई के संदर्भ में बी का क्या संबंध है। तो देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बहन है किसकी, बी की। कह रहा है बी इंटू सी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो बी माँ है किसकी, सी की। सी प्लस डी, ए प्लस डी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यानी कि सी पिता है किसका, डी का। और डी माइनस ई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो बी बी भाई है किसका, ई का। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ई के संदर्भ में बी का क्या संबंध है ना, तो ई के संदर्भ में बी का क्या संबंध है, तो बी जो ई जो है वो बी को क्या बुलाएगा, दादी बुलाएगा। देखिए नानी नहीं बुलाएगा, नानी आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि पिता की माँ है, पिता की माँ को दादी बुलाते हैं। पिता की माँ है और पिता की जो माँ होती है उनको दादी बुलाया जाता है, नानी नहीं बुलाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। कह रहा है एम के डब्ल्यू आर ई बी इसको लिखा गया इस प्रकार, तो बता रहे ई एन टी यू आई सी को आप कैसे लिखोगे। बहुत ही बढ़िया लिखने वाला प्रश्न है ना, बहुत ही एकदम जबरदस्त लिखने वाला प्रश्न है, करिए। बहुत ही एकदम जबरदस्त लिखने वाला प्रश्न है, करिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एम के W R E B इसको लिखा जाए M O T Y D G, आपको बताना है क्या E N T U I C को आप कैसे लिखोगे, है ना, इसको आप कैसे लिखोगे। देखो M से M तो अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट रिलेशन है, कोई ना कोई तो इसमें खेल हो रहा है ना, अब कोई ना कोई तो खेल हो रहा है। अब वो खेल क्या हो रहा है ये देखो, अगर आप यहां देखोगे M से O प्लस टू कर रहा है, और कैसे एम जो है वो भी आपका प्लस टू कर रहा है। सो अगर आप यहां पर प्लस टू करते हो तो पी बनेगा, और यहां पर प्लस टू करते हो तो जी बनेगा, और पी और जी केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहते हैं ना यही रात अंतिम यही रात भारी, और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। देखते हैं कौन बिल्कुल सही करेगा विद इन 30 सेकेंड्स। बाकी अब डेली शाम को 6 बजे रिमाइंडर सेट कर लो, है ना, और आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है इसीलिए कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। रीजनिंग का पुलकित सर रीजनिंग करके टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। उसी में हम पीडीएफ वगैरह भी डाल देंगे, और उसमें हम ना आपकी ये क्लास का लिंक भी डाल देंगे। बाकी जो एसएससी जीडी का टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करके रख लो,
ठीक है। अब इसका आंसर करो कितना आ रहा है, तो यहां पर आंसर करो कितना आ रहा है भाई, देखो जल्दी से। कह रहा है कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, 12 दर्जन अर्थात 12 इंटू 12 यानी कि 144। कह रहा दो दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 2 इंटू 12 अर्थात 24 जोड़े जाते हैं, कितना हो गया 168 हो गया है ना। उसमें 10 सेब खराब हो गए तो 10 घटा दिए अर्थात 158 हो गया है ना। शेष सेबों को समान रूप से दो टोकरियों में बांट दिया जाता है तो कितना हो गया 7 × 2 = 14, कैरी 1 और आपका 79 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया 79 जो है इसका राइट आंसर बनेगा बेटा। 158 तो ऑप्शन में है लेकिन 158 आंसर कैसे हो जाएगा, दो टोकरी में बांटा भी जाता है। हाउ मेनी एप्पल आर देयर इन ईच, मतलब हर एक टोकरी में कितने है, प्रत्येक में कितने सेब है, तो एक में 79 है दूसरे में भी 79 है, टोटल 158 है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है भेड़िया बिल्ली कुत्ता लोमड़ी है ना, वोल्फ कैट डॉग फॉक्स, इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अलग है, मतलब ये चार दिए गए हैं, चार में से तीन तो एक जैसे हैं, एक पूछ रहा है जो अलग है वो आपको बताना है कौन सा अलग है। तो यहां पर अलग हो जाएगा आपका डॉग, यहां पर अलग हो जाएगा आपका डॉग यानी कि कुत्ता, क्योंकि भेड़िया बिल्ली और लोमड़ी, क्योंकि भेड़िया बिल्ली और लोमड़ी ये एक परिवार के है, इनका जो परिवार है ना वो एक है, ये एक ही परिवार के सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका जो फैमिली है वो एक ही है, कैट फैमिली है, मतलब ये पेड़ों पर कूद सकते हैं, चल सकते हैं, इस तरीके की फैमिली है ना। सो ये एक ही फैमिली के हैं केवल कुत्ते को छोड़ करके। सो अगला क्वेश्चन है 33 आपके लिए, 34 आपके लिए और 35 क्वेश्चन आपके लिए। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आज आपको ऑफलाइन कमेंट में करने हैं। द रीजन इज कल वाले में नाम जो है वो ध्यान नहीं रहे लाने का, तो आज मैं माफी चाहूंगा। आज जो तीनों आंसर सही करेगा, पहली चीज तो मैं आपकी कंडीशन बता दूं है ना, कल पक्का लेके आऊंगा आपको तीनों आंसर सही करने, जो तीन आंसर करेगा और बिल्कुल सही करेगा उन सभी के नाम मैं कल यहां पर जो है वो प्रदर्शित करूंगा कि ये व्यक्ति थे जिन्होंने आंसर किए थे बिल्कुल सही। बाकी जो स्टूडेंट अभी भी कहते हैं कि सर ये तो टॉपिक समझ ही नहीं आता, भाई साहब चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो, उनके लिए ये तो मिशन वर्दी है। जिनको लगता है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, जिनको लगता है हमारे पास पीडीएफ नहीं है, तो उन्हीं सबके लिए तो मिशन वर्दी है। जब मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन ये तो चुटकियों में हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो आपने टॉपिक वाइज मेरे से आज ना सही तो कल कभी ना कभी पढ़ रखा है, और जिसने पढ़ रखा है वो जबरदस्त तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकता है। तो क्वेश्चन को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए मिशन वर्दी बैच ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं है ना, हंसी मजाक आज तो मैं बहुत हंसी लग रही होगी लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना और एक नंबर से पीछे रह जाते हैं तब लगता है काश ये टॉपिक पढ़ के गए होते, तब एहसास होता है। आज वो एहसास नहीं होता उस टॉपिक को, उस टॉपिक की अहमियत आज नहीं आएगी, उस टॉपिक की अहमियत तब आएगी जब रिजल्ट आएगा, ये ध्यान रखना। हर एक टॉपिक आपका पढ़ा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है बहुत ही आलसी की जी सर हमें तो पके पकाए नोट्स भी दे दो, तो भैया तुम्हारे लिए पके पकाए नोट्स भी बना दिए एकदम शानदार कॉन्सेप्ट वाले है ना, तो ये नोट्स भी आप परचेस कर सकते हो मात्र 999 रुपए में। ये नोट्स भी आप परचेस कर सकते हो जो कि एग्जाम्पल एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, बैच भी आपको मिलेगा, सब कुछ एग्जाम्पल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और दूसरी चीज, अभी विवेक सर एक इवेंट लेकर के आ रहे हैं कि जो फॉर्म भरे गए हैं वो कितने भरे गए है ना, एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन है, मात्र 54 लाख जो फॉर्म भरे गए, मात्र होता 54 लाख है ना। ये हमारे एडिटर सर ने भी क्या ही मतलब बढ़िया एडिटर सर है, देख रहे हो मात्र 54 लाख, मतलब जबरदस्त 54 लाख फॉर्म भरे गए, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है, इसके बारे में विवेक सर जानकारी लेकर के आएंगे अभी 7:50 पे। तो तुम लोग एक काम करो, सभी के सभी अभी के अभी इस वाले वीडियो के लिंक पर क्लिक करो, जब क्लास में हो ना तुम सब हो तो क्लास में ही ना, तो क्लास में से इस वाले वीडियो के लिंक पर क्लिक करो, किस पर, ये जो वीडियो में आपको लिंक दिख रहा है ना कमेंट में, इस लिंक पर कमेंट वाले में क्लिक करो और इस इवेंट में पहुंचो, और इस इवेंट में पहुंच के सभी इस इवेंट को लाइक करो और सभी नोटिफाई करो जल्दी से, मैं बैठा खड़ा देख रहा हूँ, जल्दी जाओ करके आओ फटाफट से। नहीं अब नहीं बढ़ेगी बेटा, डेट नहीं बढ़ेगी अब एग्जाम की, उसकी फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी। सभी के सभी अभी जाओ जल्दी से फटाफट से इस इवेंट पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक करो है ना, और नोटिफिकेशन ऑन करो, जल्दी लाइक करो, मैं देख रहा हूँ लाइक बढ़ नहीं रहे इसके, बढ़ने चाहिए, 1000 लाइक पहुंचना चाहिए इस क्लास से, इतनी तो यार इज्जत रख लिया करो, जल्दी से जाओ फटाफट से लाइक करके आओ बस, तुम्हारे भाई ने बोला करने का मतलब करने का, ठीक है।
जल्दी से लाइक करो फटाफट से, मैं देखो कितने बड़े, कितनी देर में कितने बड़े, 1000 पहुंच रहे हैं इसी क्लास में, पहुंचा नहीं रहे हो यार तुम, बस 200, सिर्फ इतने से ही हो इस क्लास में। बहुत बात खराब करी है यार तुम लोगों ने यार, 1000 नहीं कर सकते थे, 3000 बच्चे क्लास में थे, इतनी बेइज्जती कराओगे बाहर जाके, दुनिया क्या कहेगी? ये बताओ पुलकित सर के कहने पे 1000 लाइक नहीं आए। खैर चलो कोई बात नहीं, सही है, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। क्लास ऑफ कर दो, अरे सर को फॉर्म तो हम भरेंगे सर, पता नहीं भाई है? पता नहीं, 54 लाख ही तो भरे गए पिछले साल से, पिछले साल तो 71 लाख भरा गया था, कंपटीशन तो कम हो गया इस बार, कंपटीशन हमेशा 2 ही लाख बच्चों का होता है।